الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الحق المبين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر طهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات بزرگان محترم اور برادران ارجمند سورہ مبارک ملک کی ابتدائی دو آیتیں ہیں جن میں ارشاد جناب باری ہے کہ بنام خدائے رحمان و رحیم بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون احسن ہے عمل کے اعتبار سے اور وہ عزیز ہے اور غفور ہے. صاحبان نظر افراد واقف ہیں
कि इस इन दो आयत करीमा के एक एक लफ्ज़ पर गुफ्तगू है, और जिस लफ्ज़ पर रुक जाया जाए इस जैसे कई वक्त दरकार हैं, जो लोग अहल हैं वो जानते हैं। और यही आयतें नहीं बल्कि पूरे क़ुरान का यही हाल है कि जहाँ अल्फाज बहुत मुख्तसर, मानी बहुत ज़्यादा। क़ुरान एक ऐसी किताब है जिसके लिए अमीर बयान अलैहिस्सलाम का ये इरशाद है कि ज़ाहिरुहु अनीक व बातिनुहु अमीक। क़ुरान वो है जिसका ज़ाहिर खूबसूरत है, ज़ेबा है, और जिसका बातिन बहुत अमीक है। ये हमारी नाअहली है और ये हमारी नाकदरी है कि हम क़ुरान मजीद से अपने आप को बहुत दूर रखे हुए हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हकीकत यह है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर ऐसा है कि क़ुरान मजीद से हम काफ़ी दूर हैं। मैं चूँकि आपके यहाँ पहली मर्तबा गुफ्तगू कर रहा हूँ, शहर बाराबंकी में अतराफ़ में पढ़ चुका हूँ, लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे मुखातब मेरे हमसिन और कमसिन भाई हैं, बुज़ुर्गों से ख़िताब नहीं करता, वो उनकी ज़रा नवाजी है कि यहाँ बैठे हैं। मैं अपने जैसे लोगों से बात कर रहा हूँ कि यह हमारी वाकयन नाअहली है, नाकदरी है, कमज़रफ़ी है, या जो आप कहना चाहें कि हम क़ुरान मजीद से बहुत दूर हैं। और अगर कल रोज़े महशर क़ुरान मजीद हमारे ख़िलाफ़ बारगाह खुदावंदी और बारगाह अहले बैत में शिकायत करे कि करेगा तो जा है, क्योंकि हम इतना क़ुरान मजीद से दूर हैं। अब यह गुफ्तगू का मौज़ू नहीं है, वरना अर्ज़ करता मुझे कुछ दूर चलना है आपके साथ, किसी एक लफ्ज़ पर सिर्फ गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसे आपने शायद महसूस किया हो, मगर दो तीन जुमले जल्दी जल्दी। क़ुरान मजीद के कुछ मसारिफ़ हैं, इसे मैं कई जगह पर और भी अर्ज़ कर चुका हूँ, क़ुरान मजीद के कुछ मसारिफ़ हैं जो मुअय्यन हैं और हम उससे तजावुज़ नहीं करना चाहते। क़ुरान मजीद का सबसे पहला मसरफ जो हमारे यहाँ है वो ये है कि किसी बहुत खूबसूरत जुज़दान में लपेट के इतने ऊपर रखें कि जहाँ आसानी से हाथ न पहुँचे, तो ये पहली चीज़ है। अच्छा, जितनी बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मुखालिफ हूँ, नहीं, बात मुखालफत की नहीं है, बात ज़रूरत की है। आप देखिए, जब आप अपनी लाइब्रेरी सेट करते हैं, अपनी किताबों को लगाते हैं शेल्फ़ में, तो क्या अंदाज़ होता है, वो किताबें जिनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है वो बिल्कुल सामने लगाई जाती हैं, बकौल फ़ारसी के दम दस्त, कि जिनको आसानी से उठाया जा सके, और जिन किताबों की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है वो ऊपर रख दी जाती हैं कि स्टूल स्टूल रख करके उठा लेंगे। देख रहे हैं आप, क़ुरान मजीद का एक मसरफ़ यह है कि जब कोई मुसाफिर जा रहा हो तो उसको क़ुरान मजीद के नीचे से गुजार दिया जाए, जब कोई बीमार हो जाए तो उसे क़ुरान मजीद की हवा दे दी जाए। क़ुरान मजीद का एक मसरफ़ यह है कि बेटी के जहेज़ में दे दिया जाए। क़ुरान मजीद का एक मसरफ़ यह है कि वालिदैन के 40वें में दे दिया जाए। क़ुरान मजीद का एक मसरफ़ यह है कि जब कोई न मर रहा हो तो सराहने पढ़ो ताकि मर जाए। देख रहे हैं आप, सच बताएं क्या क़ुरान इसी लिए आया था? अगर ये क़ुरान शिकायत करे तो हक़ रखता है या नहीं रखता? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका असर हमारी नियत से मुताल्लिक है। अच्छा, जैसे आब ज़मज़म,
उसका असर ये है कि लेमा शोरे वाला जिस नियत से पिया जाए उसका फ़ायदा वही है। उसी तरीके से कुरान मजीद का एक सूरा है सूरह यासीन, उसका भी असर यही है कि लेमा कोरे अल्लाह जिस नियत से पढ़ा जाए। और हमने आज तक सूरह यासीन को एक नियत से पढ़ा है, 100% अमल करता है। देखें आप, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि फ़लाँ साहब के सराहने सूरह यासीन पढ़ा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इन्ना लिल्ला। क्यों? देख रहे हैं आप, सूरह यासीन, सूरह यासीन की तलावत करो ताकि इसका दम आसानी से निकल जाए। अजीब है, वो कुरान मजीद जो मुर्दा ज़मीरों को ज़िंदा करने के लिए आया था, हमने उसका हश्र। बहरहाल ये बहुत एक दर्दनाक हकीकत है जिसमें सबसे पहले हम जैसे लोग ख़ुद गिरफ़्तार हैं, लेकिन बिलाखिर जा है मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरे नौजवानों, कुरान मजीद से करीब हो। ये तो अशरे व खमसे का मौजू है कि इंसान इस पर गुफ्तगू करे कि कुरान बिलाखिर है क्या। ये बैनत दफ़तैन जो एक किताब मौजूद है, ये किताब नहीं है, ये बहर आमीक है, एक गहरा समंदर है जिसको जितनी हिदायत चाहिए हो कुरान मजीद से हासिल करे। और इन्ना लिल कुरान बतनन वलिल बतन बतनन, कुरान मजीद के लिए बतन है, बातिन है, बातिन के अंदर बातिन है। आप देखें, लेकिन अभी हम कुरान मजीद के ज़ाहिर को नहीं समझ सके तो बातिन तो बड़ी दूर की बात है। मैंने अर्ज़ किया कि ख़ुद एक मुस्तकिल मौजू है और एक मजलिस का नहीं बल्कि खमसे और अशरे का मौजू है कि जहाँ पर इंसान इस मज़लूम किताब पर गुफ्तगू करे। बल्कि जनाब आयतुल्ला बहजत अल्लाह मकामहू फरमाते हैं कि अगर तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी हैसियत इमाम ज़मान की नज़र में कैसी है, तो देखो कि तुम्हारी हैसियत कुरान की नज़र में कैसी है। ये बिल्कुल सही है, हम कुरान मजीद से नज़दीक हैं या दूर हैं, बस जो कैफियत यहाँ है वही इमाम ज़मान सलामुल्लाह अलैह के नज़दीक है। चूँकि न कुरान उनसे जुदा है न वो कुरान से जुदा हैं। और न फ़कत ये कि जुदा नहीं है बल्कि जुदाई का इम्कान नहीं है, न अक्लन न उर्फन, ऐसा है इन दोनों के दरमियान इर्तबात। अगर कुरान मजीद को जिस्म दे दिया जाए तो आले मोहम्मद बन जाए, अगर आले मोहम्मद को मकतूब कर दिया जाए तो कुरान बन जाएगा। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही तूलानी और बहुत ही अच्छा मौजू है कि जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। बनामे खुदाए रहमान और रहीम, आप जानते हैं अगर इसी पर गुफ्तगू हो तो कितना कुछ कहने के लिए है। कितनी बार आपने सुना होगा, मैं सिर्फ इशारतन अर्ज कर रहा हूं ताकि मेरे कमसिन भाई मुतवज्जे हों, कि बयान करने वाली शख्सियत बैठी हुई बयान कर रही थी, सुनने वाला सुन रहा था, पूरी रात गुजरती रही और यहां तक कि जब फरीज़ा सहरी के लिए उठे तो शागिर्द ने पूछा कि क्या सूरह अलहम की तफसीर मुकम्मल हो गई? तो कहते हैं क्या सूरह अलहम की तफसीर, अभी तो बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा, कोई मुझ जैसा बोलने वाला नहीं था कि एक घंटे की तकरीर में आप देखें दो चार जुमले ढंग के नसीब होंगे। नहीं, बोलने वाली जात वो है कि जो ऐसा बोलती है कि सदियां लगती हैं उसे समझने में, और वो ये कह रहा है कि अभी तो बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। कितना गहरा समंदर था ये कि जिस पर अली इब्ने अबी तालिब जैसा इंसान पूरी रात गुफ्तगू करता रहता। काश वो मतालिब महफूज होते कि आज हम देखते कि पूरी रात मौला ने कहा क्या आखिर इन चार लफ्जों में, इस्म अल्लाह रहमान रहीम तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जिसके हाथ में मुल्क है। मैं सिर्फ तर्जमा कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ तक पहुँचूँगा, उसी पर कुछ देर गुफ्तगू और बस। चूँकि जाहिर सी बात है कि गर्मी है और वक्त ज़्यादा हो भी चुका है, ज़्यादा देर ज़हमत नहीं दूँगा।
बाबरकत है वो जिसके हाथ में मुल्क है। अब बलागत कुरान मुलाहजा करें, गुफ्तगू का मौका नहीं है, सिर्फ इशारा करूंगा कि लफ्ज सरीह के होते हुए किनाई लफ्ज का इस्तेमाल अगर माना में ज्यादती पर दलील ना हो तो लगव है। यहां अहले अदब बैठे हैं, जानते हैं इन चीजों को कि किनाई लफ्ज का इस्तेमाल किसी ने कर दिया और अगर माना में ज्यादती का बाइस ना बने तो लगव है। आपने सरी लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल की? तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जिसके हाथ में मुल्क है। आप कहें हाथ से मुराद कुदरत है, दुरुस्त है, हाथ से मुराद कुदरत है, लेकिन क्या कुदरत अरबी के लफ्ज नहीं है? तो लफ्ज कुदरत के होते हुए जो सरीह लफ्ज है, लफ्ज किनाई का इस्तेमाल करना, लफ्ज यद का इस्तेमाल करना क्यों? तवज्जो करें, क्यों कह रहा है लफ्ज यद जिसके हाथ में कुदरत, जिसके हाथ में मुल्क है? क्यों नहीं कह रहा जिसकी कुदरत में मुल्क है? कोई मुश्किल है? लफ्ज कुदरत अरबी के लफ्ज है। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यद क्यों? और अजीब शान है, लफ्ज यद और हाथ वो इस्तेमाल कर रहा है जिसके हाथ नहीं है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। और उसने इस्तेमाल किया और है क्यों या कभी और? बाबरकत है वो जिसके हाथ में मुल्क है। सिर्फ ये मैं लफ्जों की वजाहत कर रहा हूं एक जगह तक पहुंचने के लिए। मुल्क से मुराद क्या है? मुल्क से मुराद कोई कंट्री वंट्री नहीं है। ये उर्दू का मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क वो उनका मुल्क। ये अरबी का मुल्क है जिसका मतलब है ये आलम मुल्क। जितना हमें दिख रहा है या जितना हमें महसूस हो रहा है सब मुल्क है। जमीन और आसमान हो, जो भी आपको नजर आ रहा है दुनिया में, जर्रे से लेकर के कहकशां तक, ये सब आलम में मुल्क है। और परवरदिगार आलम कह रहा है बियदिहिल मुल्क, उसके हाथ में मुल्क है और हम भी इसी मुल्क का एक हिस्सा हैं। जिस्मानी एतबार से इसी मुल्क का एक हिस्सा है। वो कह रहा है बियदिहिल मुल्क, क्यों कह रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद ये वजह हो कि अगर हमने अपने इख्तियार से तुम्हें कुछ दिन के लिए साहिब इख्तियार बना दिया तो ये ना समझ लेना कि हम बे इख्तियार हो गए। तवज्जो करें, ये दुनिया वालों के तरीके से नहीं है कि आपने किसी को वोट दे करके बा इख्तियार बना दिया तो अपना इख्तियार खो बैठे। नहीं, अगर हमने तुम्हें चंद दिनों के लिए साहिब इख्तियार बनाया है तो ऐसा नहीं है कि हम बे इख्तियार हो गए। हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें अपने मुल्क पर इख्तियार रखते हैं, लेकिन हमने तुम्हें इस कायनात में मुख्तार बनाया ताकि तुमको मारज़े इम्तिहान पर ला सकें और तुम अपने मुकद्दर का फैसला खुद करो कि तुम्हें जाना कहां है, इधर जाना है या उधर जाना है, यह तुम खुद तय करो। इसलिए हमने तुम्हें इस मुल्क में साहिब इख्तियार बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बेख्तियार हो गए। नहीं, कितना साहिब कुदरत है वो, उसके हाथ में मुल्क है। मैंने कहा कि वक्त नहीं है वरना वजाहत हो इन अल्फाज की। समझे कौन है वो? वहुआ अला कुल शय इन कदीर। बात को मुल्क से ऊपर ले गया कि वो के जो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। शय मुल्क की हो तब भी शय है, मलकूत की हो तब भी शय है, खारिज में हो तब भी शय है, जहन में हो तब भी शय है। वो बात को और आगे ले गया, वह हुआ अला कुल शैइन कदीर, वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। पहचाना कौन है वो? ए मेरे मालिक, कुछ थोड़ी सी और वजाहत। अब उसने बात को माकूल से निकाल के महसूस में रखा। तवज्जो कीजिए, अब बात को माकूल से निकाल के महसूस में रखा और क्या कहा कि अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात,
वही साहेब मुल्क और वही साहेब कुदरत जिसने मौत और हयात को पैदा किया है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। वही साहेब मुल्क मलकूत जिसने मौत और हयात को पैदा किया। अब पहचाना। और अब यहां बड़े लताइफ हैं कि परवरदिगार आलम ने यह क्यों कहा, मैं किसी को बयान नहीं करूंगा, हल्की सी मिसाल दे करके आप देखिए। जब आप किसी को पहचानवाते हैं किसी के सामने, तो पहले थ्योरी पेश करते हैं, मसलन माकूल में उसको गुफ्तगू करते हैं। आप जानते हैं उनको, फला साहब को, पता नहीं कौन, अरे भाई जिनका कलम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखते हैं, अरे बड़ी रवानी है उनकी तहरीर में, नहीं अरे जिनकी फला किताब है, अच्छा वो, तब इंसान जब बात महसूस में आती है तब इंसान उसको समझ पाता है। परवरदिगार ने भी कुछ ऐसा ही किया, अपनी कुदरत की पहले कुदरत को बयान किया साहेब मुल्क को खुदा, पहचाना मालिक, कुछ और वजाहत, अरे वही जो हर शय पर कुदरत रखता है, अब पहचाना मेरे मालिक, कुछ और वजाहत का, वही जिसने मौत और हयात को खल किया है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। और ये भी अजब लुत्फ है कि उसने मौत को मुकद्दम किया हयात पर। अब यहां बहुत से रुख है जिन पर गुफ्तगू होती है और होनी चाहिए, कि लजी खलकल मौत वल हयात, और मौत पर लफ्ज खलका वारिद किया कि मौत को खल्क किया। अजीब है। और अगर इसी पर गुफ्तगू होती और इरादा करता तो यह बहुत अच्छा मौजू है कि इंसान इस पर सोचे कि बिल आखिर मौत अगर अदमुल हयात का नाम होता तो खलका नहीं आ सकता था, क्योंकि अदम को खल्क नहीं किया जा सकता। वो कह रहा अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, इसको बयान का मौका नहीं है, आप सुन ले कभी और इंशाल्लाह। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात को पैदा किया। पैदा वो चीज होती है जो हो, आदम पैदा नहीं किया जा सकता, आदम में पैदा होने की सलाहियत नहीं है। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात को खल्क किया। मेरे अजीज़ो, ऐसा लग रहा है परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत की जो पहली मिसाल दी है वह मौत है। इसी सूरह मुल्क में आप देखिए पहली मिसाल, बेदहिल मुल्क मफहूम, अला कुल्ले शैइन कदीर मफहूम, जब खिलकत की पहली मिसाल दे रहा है, अल्लज़ी खलकल मौत, जिसने मौत को पैदा किया। बाद में कह रहा है अल्लज़ी खलक सबा समावात इंतबाका, कि जिसने सात आसमानों को एक के बाद एक पैदा किया। ये बात के मराहिल है, पहली मिसाल मौत। और यहां बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे मालूम करें, तरजीह बिला मुरज्जे कबीय, कि अगर तरजीह का कोई सबब ना हो और बिला वजह तरजीह दी जाए तो अकुल कबूल नहीं करती। मैं चला, मेरे साथ 10 लोग चल रहे थे साथ साथ, ऐसा होता नहीं है लेकिन मिसालन आप सुन लें, 10 लोग साथ साथ चल रहे थे, मैं दरवाजे पर रुका, मैंने इशारा किया एक साहब से कि आप पहले चलिए, आप पहले दाखिल हों। 9 लोगों को तर्क कर दिया, एक की तरफ इशारा किया, लोग पूछेंगे आपने क्यों इनसे कहा कि आप पहले चलिए, कहा ऐसे ही कह दिया, कही ऐसे ही सही नहीं है, क्योंकि आपने 9 लोगों की तौहीन की, मसलन इस एक को आपने 9 पर क्यों मुकद्दम किया अपनी नजर में, इस तरजीह और इस तकद्दुम का कोई सबब होना चाहिए। हम कहेंगे ये मेरे वालिद हैं, कहा अच्छा अच्छा इसलिए, नहीं नहीं ये मेरे उस्ताद हैं, बात समझ में आ गई, नहीं ये मेरे बड़े भाई हैं, तरजीह का सबब होना चाहिए। परवरदिगार आलम ने अपनी सारी मखलूक को छोड़ करके मौत को मुकद्दम किया अपनी कुदरत की मिसाल पर, कोई सबब होना चाहिए ना, कि जमीन और आसमान का खालिक जिस चीज के लिए कह देता दुरुस्त था, लेकिन सबको छोड़ रहा है, पहली मिसाल बना रहा है कुदरत की मौत, क्या वजह है ये, वजह कभी और। लेकिन बिलाखिर यह इशारा है यहां पर, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात को पैदा किया। बस अब यहां से आप सुने क्यों पैदा किया, यह सारी
चीज जो मालिक ने बयान की निचोड़ दे रहा है परवरदिगार। क्यों पैदा किया? ले यब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले। तुम कौन? हम और आप, किसी दूसरी मखलूक के बारे में नहीं कह रहा, हम और आप। ये मौत और हयात की खिलकत इसलिए है। अब ये बहुत बड़ा मौजू अजीजों, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, ये बहुत बड़ा मौजू कि इंसान इस पर बहस करे और काफी गुफ्तगु है। ये सारी खिलकतें मौत और हयात इसलिए है कि हम तुम्हें आजमाएं। तुम्हें, तुम कौन? हम और आप। परवरदिगार क्या आजमाना है? अय्युकुम अहसन, तुम में अहसन कौन है? अजीब है, अमलन, अमल के एतबार से इसी लफ्ज तक में मुझे लाना था और आपने महसूस किया और उसी पर रुक रहा हूं बस। अय्युकुम अहसन, तुम में अहसन कौन है? अब मैं अहसन का तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बेहतर अगर मैं तर्जुमा करूं उर्दू में तो बेहतर, तुम में बेहतर कौन है? अमलन तमीज है अमल के एतबार से, यानी परवरदिगार आलम इस कायनात में हमें अहसन देखना चाहता है। तवज्जो कीजिए, इस दुनिया में परवरदिगार आलम हमें अहसन देखना चाहता है। उसने सारा बखेड़ा जो भी आप देख रहे हैं, यह पूरा आलम जो खल किया है, उसका सबब यही है कि वो हमें देखे कि हम में अहसन कौन है। अजीब है, और कितने अहसन में उसने हमें घेरा और फिर हमसे अहसन बनने के लिए कहा। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खलका, वो परवरदिगार जिसने हर शय को अहसन बनाया, हर शय को अहसन बनाया, उसकी खिलकत को इंसान के लिए खुसूसियत से तस्करा किया। लकद खलक नल इंसाना फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन अंदाजे और अहसन तकवीम और अहसन अंदाजे पर पैदा किया। अजीब है, परवरदिगार आलम ने हमें अहसन बनाया, और कितनी चीजें अहसन बनाई, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होगी कि मैं सबको बयान करूं। दो एक चीजें आप यहां पर सुने, जल्दी जल्दी तवज्जो करें। आवाज दी के सुनो, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, वही वो परवरदिगार है जिसने माओ के रहम में तुम्हारी तस्वीर को बनाया। अजीब है, अगर इसी बात को हम समझ लें तो शायद शुक्र से सर न उठे आसानी से। उसने जैसा चाहा माओ के रहम में तुम्हारी तस्वीर बनाई, न तुमने खुद अपनी तस्वीर बनाई और न तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारी तस्वीर बनाई। उन बेचारों को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, हमने तस्वीर बनाई और जैसा उसने बना दिया कोई रद्द बदल नहीं कर सकता उसमें। आप देखिए, हर शय अपनी जगह पर। लोग कहते हैं मोजजात पढ़िए, मोजजात पढ़ने की जरूरत नहीं है, आईने के सामने खड़े होइए, अपने आप को देखिए, एक सलावात पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये किसी मोजजे से कम है? आईने के सामने खड़े हुए कद्दे आयदा आईना लगाइए, अपने आप को देखिए, क्या मोजजा है वाकयन, शाहकार है परवरदिगार आलम का। कौन जनाबे इंसान? ये आंख कैसे देख रही है, ये कान कैसे सुन रहे हैं, ये जबान कैसे बोल रही है, ये आजा और जवारे कैसे हरकत कर रहे हैं, ये कौन है देने वाला? अगर वो कोई चीज ना देता तो पूरी कायनात लग जाती, दे नहीं सकती थी या दे सकती थी, सवाल ही नहीं। अगर वो कुव्वत समात न देता, सारे डॉक्टर्स दुनिया के मिल जाते, समात नहीं दे सकते।
अगर वो बसारत न देता तो सब लोग लग जाते, लेकिन बसारत नहीं दे सकते थे। अगर वो नुतक न देता तो परवरदिगार आलम न देता तो दुनिया नुतक दे नहीं सकती थी। शायद वह एक वजह यह भी रही हो कि कुछ लोग अंधे बहरे गूंगे पैदा हो ताकि आंख वाले अपनी आंखों की अहमियत तो समझें। सलावत पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो लोग आजा और जवारे दुरुस्त रखते हैं वो अपने आप को महसूस तो करें। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा, जैसा उसने चाहा। ये उसका शुक्र नहीं है कि उसने सब कुछ दे दिया, तवज्जो करें। और फिर खुद ही कहता है सवरकुम फअहसना सुवरकुम, उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई और अहसन तस्वीर बनाई। अजीब है, इस तस्वीर को उसने अहसन कहा, किसी को नहीं कहा, इस तस्वीर को उसने अहसन कहा। सवरकुम फअहसना सुवरकुम, तुम्हारी बेहतरीन और अहसन तस्वीर बनाई। ये एक मरहला। और उसके बाद दूसरे मरहले पर गुफ्तगू करता है अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा, परवरदिगार आलम ने इसके लिए रिज़्क़ को भी अहसन करार दिया। और अब इसके बयान का मौका नहीं है, बहुत तूलानी गुफ्तगू है। सिर्फ एक बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, याहले नजर बैठे हैं, सुनी हुई चीजें आपकी हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं उनको आपके सामने। जब बच्चा मां के शिकम में होता है तो उसका रिज़्क़ क्या होता है? उसका रिज़्क़ खून होता है। और अब कुछ चीजें मेंबर की अदब के खिलाफ हैं, मैं उनको बहुत वाज़े नहीं कह सकता आपके सामने। उसका रिज़्क खून होता है जब बच्चा मां के शिकम में है, और जब दुनिया में आता है तो उसका रिज़्क शीर मादर करार पाता है। और आज तक सारी तहकीक के बावजूद दुनिया यह साबित कर चुकी है कि मां के दूध से बेहतर कोई चीज नहीं कायनात में। तवज्जो करें, आज भी सारी तरक्कियों के बावजूद कितने तरीके से लोगों ने गजा का इस्तेमाल कर लिया बच्चों के लिए, लेकिन सब ने हाथ पैर डाल दिए कि मां के दूध से बेहतर कोई चीज नहीं है। दुरुस्त, जब मां के शिकम में है तो रिस्क क्या है? खून। जब दुनिया में आया तो रिस्क क्या है? मां का दूध। बच्चा बाद में आता है, रिस्क पहले से आमादा। क्या अजीब रुख है इंसान के सोचने के लिए कि दुनिया में बच्चा कदम बाद में रखता है, रिस्क पहले से आमादा करता है परवरदिगार। और कितनी नजाकतों से आमादा करता है, उसके बयान का मौका नहीं। लेकिन आप डॉक्टर से पूछें, जब मां के शिकम में है तो रिस्क खून है। कहां से ये रिस्क दे रहा था? नाफ के जरिए से, नाफ के जरिए से। और जब दुनिया में आता है तो रिस्क कहां से देता है? दहन से। क्या यही रिस्क जो नाफ से दिया जा रहा था दहन से नहीं दे सकता था मां के शिकम में? का वो मालिक है, जहां से चाहे दे। मगर उसने रिस्क जब खून को रिस्क बनाया तो दहन से नहीं दिया बल्कि नाफ के जरिए से दिया। मुझे नहीं मालूम वजह क्या है, परवरदिगार खुद जाने, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि खून नजिस है, दूध पाक है। तुम्हारी मजबूरी थी कि खून तुम्हारा रिस्क बने, क्योंकि तुम्हें नश्व नुमा की जरूरत थी, तुम्हें गोश्त और पोस्त की जरूरत थी, लिहाजा खून जरूरी था। जब हमने खून को रिस्क बनाया तो मुंह से नहीं नाफ से दिया कि कम से कम हराम खोरी की आदत न पड़े। एक सलावत पढ़े बाबा से बुलंद पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। नजिस चीज को मुंह ना लगाया, क्योंकि हमने रिस्क को अहसन बनाया था तो चाहा कि तरीका भी अहसन रहे। सलावात पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमने चाहा कि तरीका भी अहसन रहे, हम रिज़्क़ के अहसन मखलूक़ के अहसन को दे रहे थे।
तो तरीका भी हमने एहसान रखा। और कितनी चीज़ें, बस मैं चूँकि बिल्कुल गुंजाइश नहीं रह गई, वक्त मेरा तकरीबन तमाम हो रहा है, बस जल्दी से। और जब उस परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया तो उसने, आप उठा करके देखे, मुझे नहीं मिला, कहीं हो तो मुझे बताइएगा, दूसरी, अच्छा उसकी कौन सी बुरी मखलूक है कायनात, उसका नाम लीजिए, कौन सी बुरी मखलूक है कायनात में, कोई है आप पॉइंट आउट कर सकते हैं? जनाब मूसा से परवरदिगार आलम ने कहा जाओ बदतरीन मखलूक तलाश करके लाओ। जनाब मूसा गए, खूब ढूंढे ढांडे, इधर उधर कुछ नहीं मिला, चले आए मालिक, कुछ नहीं मिला। कहा एक जगह रुके तो थे, कहाँ एक मखलूक को देखा था, एक नजीस जानवर मरस के आलम में पड़ा था, सोचा कह दूँ, फिर हिम्मत नहीं पड़ी, चूँकि तेरी मखलूक थी, तूने खल्क किया था, तो रिस्क दे रहा था, तू पाल रहा था, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। कहा मूसा अगर कह देते तो नबूवत चली जाती। देख रहे हैं, बदतरीन मखलूक, हमें नहीं मालूम किस मखलूक का सबब क्या है, लेकिन जो उसने पैदा कर दिया वो एहसान है। तवज्जो करें, जो उसने पैदा कर दिया, सवाल नहीं पैदा होता। यानी अगर आप तवज्जो करें तो कितने हमारे ऐसे रोज़मर्रा के जुमले हैं, अगर खुदा पकड़ने पर आ जाए तो साफ जहन्नम यहीं से। सुना होगा आपने, दो दोस्त थे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, लोगों ने तय किया कि जो पहले मर जाएगा वो उधर के हालात बताएगा। काका ठीक है, मरना ही था किसी न किसी को। मैं खुदा नखास्ता नहीं कहूँगा, चूँकि मौत में खुदा नखास्ता नहीं कहना चाहिए, जो खुदा खास्ते, उसने चाहा है कि हम मरें। नखास्ता क्या मतलब, खुदा नखास्ता मौत आ गई, खुदा नखास्ता क्या, खुदा चाहेगा तभी तो आएगी। बहरहाल कुछ जुमले हमारे इसी तरह के, तो कहा जब कोई मर जाएगा तो हम में से कोई जो पहले मर जाएगा बताएगा हालात, खूब एक उम्र नहीं था, मर गया, अब ये इंतज़ार में, अब आए अब आए अब आए अब आए, काफ़ी दिन गुजर गए। कुछ दिन के बाद देखा उसका दोस्त ख्वाब में आया, उसने पूछा, बातचीत हुई, कहाँ थे, कह रहे बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार थे, तो कहो कि जान छूट गई। कहा क्या हुआ, क्या, कहा याद है तुम्हें हम तुम फला दिन वहाँ बाग में टहल रहे थे, कहाँ याद है, कहा उस दिन हमने कहा था आज हवा कितनी अच्छी चल रही है, कहाँ कहा था, कहा खुदा बार बार यही पूछ रहा था कि हवा हमने बुरी कब चलाई थी। लेकिन अगर वो पकड़ने पर आ जाए तो ये जुमला भी काबिले गिरफ्त है, और हम लोग तो इससे ज़्यादा जुरत करते हैं, आज मौसम कितना ख़राब है, सल्लमहू मौसम मिन जानेबिल्ला है, आपको किसने हक दे दिया ख़राब कहने का, आपको किसने हक दे दिया मौसम को ख़राब कहने का। आप ये कहिए आज मौसम गर्म है, आज मौसम सर्द है, आज मौसम बारानी है, ख़राब किसे कहते हैं, ये मौसम मिन जानेबिल्ला है, बारिश उसकी तरफ से है, गर्मी उसकी तरफ से है, सर्दी उसकी तरफ से, आप कौन होते हैं खराब कहने वाले। अगर खुदा पकड़ने पर आ जाए तो हालात बड़े नाजुक हैं। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुदा करे परवरदिगार आलम इस तरीके से हमारी गिरफ्त न करे कि नहीं करेगा, लेकिन अगर करने पर आए तो बहुत मुश्किल मसाइल हैं। हमें हक नहीं है किसी मखलूक इलाही को बुरा कहने का। अगर आप भाई में ताहिरीन की अहादीस में दुनिया की मजम्मत देखते हैं तो दुनिया से मुराद जमीन और आसमान नहीं है। अगर कोई ये ताबीर करता है तो गलत करता है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। दुनिया से मुराद जमीन और आसमान नहीं है, दुनिया से मुराद क्या है एक अलग मौजू है, कभी होगा तो अर्ज करूंगा आपके सामने। वरना मखलूक के परवरदिगार को बुरा कहने का ना आपको हक है ना हमें हक है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बदतरीन मखलूक ढूंढ ले इस कायनात में। सारी चीजें एहसान, लेकिन उसने जिसे भी पैदा किया कभी अपना कसीदा नहीं पढ़ा। तवज्जो करें, जिस मखलूक को उसने ऐसा आसमान आप बना लेंगे, बना लेंगे, सोच तो सकते नहीं, ऐसी जमीन आप खल कर लेंगे का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ना जमीन की खिलकत पर अपने आप का कसीदा पढ़ रहा है, ना आसमान की खिलकत पर अपना कसीदा पढ़ रहा है। हाँ, जब जनाबे इंसान को पैदा करता है तो अपना कसीदा पढ़ता है। अब उसमें भी एक लुत्फ है, लेकिन उसके बयान का मौका नहीं है कि जब इंसान को बनाया तो फौरन आवाज दी, फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो बेहतरीन पैदा करने वाला। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।
فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس نے اپنے آپ کو بھی احسن کہا، اس کی مخلوق بھی احسن، اس مخلوق کا خالق بھی احسن، اور کتنے احسن میں اس نے ہمیں گھیرا، تصویر بھی احسن، اندازے بھی احسن، کتنا منظم بنایا. آپ کارٹون دیکھتے ہو، کارٹون دیکھیے، سر بڑا، ہاتھ چھوٹے، ہاتھ بڑے، پیر چھوٹے، ہمیں ایسا نہیں بنایا اس نے، ساری چیزیں منظم، اندازے بھی احسن، تصویر بھی احسن، رزق بھی احسن، اور اتنے احسن میں گھیرنے کے بعد وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ احسن کما احسن اللہ علیک، جس نے جس طرح خدا نے تجھ کو احسن میں گھیرا ہے، اب تو بھی اسی طریقے سے عمل کر. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بس جتنا پروردگار عالم نے جس طریقے سے تیرے ساتھ نیکیاں کی ہیں احسن، اسی طریقے سے تو بھی نیکی کر. اور اب یہاں تک آ کر کے میں بات کو چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک رخ دے کر کے تفصیل کبھی اور توجہ کیجئے. بس اگر اتنا آپ نے سن لیا اس مقدمے میں تو توجہ کریں. اس پوری کائنات کو ہم نے سجایا، موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں احسن کون ہے. احسن یعنی بہتر. اب یہاں پر جو لطف ہے اسے توجہ کیجئے، اور بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک ہے حسن نیک، اور ایک ہے احسن. دیکھیے عربی گرامر کے اعتبار سے اسے افعل التفضیل کہتے ہیں، کہ جو اپنے غیر سے نہیں چنا جاتا، اپنوں میں سے چنا جاتا ہے. مثال دے دوں، جیسے ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم، تو عالم کو چننے کے لیے جاہلوں کی طرف نہیں جاتے، بلکہ عالم کو چننے کے لیے عالموں کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ عالموں میں سے کوئی عالم ہوگا، جاہلوں میں سے کوئی عالم بنے گا. جاہلوں میں کسی کو عالم کہنا غلط ہے، جاہلوں میں کوئی عالم بن سکتا ہے، عالم نہیں، عالم کوئی عالموں کے درمیان بنے گا. عالم یعنی زیادہ جاننے والا، عالم یعنی جاننے والوں میں سب سے زیادہ جاننے والا. تو جاننے والے ضروری ہیں عالم کے لیے، ورنہ ایک اکیلا کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا. کس کے نزدیک عالم ہے، کس کی نسبت عالم ہے یہ؟ اسی طریقے سے اشجاع، بہت زیادہ شجاع، اس کے لیے شجاع میں اشجاع کی ضرورت ہے. بزدلوں میں کوئی اشجاع نہیں ملے گا، وہاں شجاع ملیں گے. اسی طرح حسن اور احسن، احسن قبیح کے درمیان نہیں ڈھونڈا جائے گا، حسن کے درمیان ڈھونڈا جائے گا. اب دو چیزیں ہیں میرے عزیزوں، میں اسی پر توجہ چاہتا ہوں، بس آخری بات کہہ رہا ہوں. پروردگار عالم نے کیا کہا، تم میں کون احسن ہے؟ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میں کون احسن کام کرتا ہے. دیکھیے سناٹا، یہ سناٹا اچھی چیز ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ دو باتوں کی علامت ہوتی ہے، یا سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. تو سو تو ایک ہی دو آدمی رہے ہیں، لیکن باقی سب سوچ ہی رہے ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. شاید میں اپنی بات کو پہنچا سکوں آپ تک، مجھے نہیں معلوم. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اچھا کام کرنا اور ایک ہے اچھا ہونا. دونوں میں فرق ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا، حتیٰ حضرت شیطان، کہ جو اچھا کام نہ کرتا ہو. کوئی بھی آپ نہیں لا سکتے کہیں ڈھونڈ کر کے کہ ایک ایسا انسان لائے جس نے کبھی اچھا کام کیا ہی نہ ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انسان کی سرشت ایسی ہے، شیطان بھی اسی طرح کا ہے. کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے کبھی اچھا کام کیا ہی نہ ہو،
खुदा ये नहीं कहना कि हमने सब कुछ इसलिए पैदा किया था कि तुम अच्छे काम करो, नहीं, ताकि तुम अच्छे बनो। तवज्जो करें, ये नहीं कह रहा कि तुम अहसन काम अंजाम दो, नहीं, काम के एतबार से तुम अहसन बनो। ये बहुत अजीम मरहला है जहां पर गुफ्तगु है और इसी पर रोक रहा हूं। अहसन काम करना और है, खुद अपने आप को अहसन बनाना और है। तवज्जो कीजिए, भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आप देखिए शबे कद्र आई, नमाज पे नमाजें, माह रमजान आया रोजे, मुहर्रम आया मजलिसें, इसमें अच्छे काम है, लेकिन उसके बाद मस्जिद से बाहर निकलेगा ये तो हमारी पर्सनल लाइफ है, आपसे क्या मतलब। दुरुस्त है, अजा खाने से बाहर गया कुछ का कुछ कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं आप, कहिए तो हमारी प्राइवेट जिंदगी है, हु आर यू। बात सही, हम चुप हो जाएंगे, हाँ हम कौन होते हैं बोलने वाले, ये क्या है, ये अच्छे काम करना है, अच्छा होना नहीं है। तवज्जो, हुसैनी अजा मनाना और है, खुद हुसैनी होना और है। आजादारी करना और है, आजादार होना और है। एक सलावात पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। नमाज पढ़ना और है, नमाजी होना और है। नमाज तो हर मुसलमान कभी ना कभी पढ़ ही लेता है, लेकिन नमाजी होना और है। अब अगर समेट के लफ्ज कहूं तो इबादत करना और है, आबिद होना और है। इबादत तो हर इंसान कर लेता कहीं ना कहीं इधर उधर, लेकिन आबिद होना, रूह है इबादत उतर जाए इंसान के अंदर, तब उसे आबिद कहते हैं और उसमें उबूदियत पैदा होती है। अच्छाई करना और है, अच्छा इंसान बनना और है। तवज्जो करें, परवरदिगार ये नहीं कह रहा कि तुम अहसन काम करो उसके लिए दूसरा लहजा होगा, नहीं, अय्युकुम अहसन, तुम में अहसन कौन है, हसन भी नहीं अहसन। अल्लाह कितने एतमाद से कह रहा है कि इस आयत का मिज़दाक जो है वो सुने कि दूसरों के दरमियान, बुरों के दरमियान हम तुम्हें अच्छा नहीं देखना चाहते, अच्छों के दरमियान हम तुम्हें अच्छा दे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आल। बुरों के दरमियान हम तुम्हें अच्छा नहीं देखना चाहते, ये एक मरहला है, अच्छों के दरमियान हम तुम्हें सबसे अच्छा देखना चाहते हैं। अय्युकुम अहसन, तुम में अहसन कौन है। अजीब है, अजीब है वाकयन, जहां चार बुरे रह रहे हो वहां एक इंसान अच्छा हो तो कौन सा कमाल है, लेकिन जहां दस अच्छे रह रहे हो वहां एक बहुत अच्छा हो, ये कमाल है, ये खिलकत है कि नजरें जाके उस एक पर टिके। और अब बस मैंने बात को तमाम कर दिया, आप महसूस कर चुके, अब आप देखें बहुत से अच्छे थे, लेकिन उन अच्छों में जो सबसे अच्छे थे वो जमा हुए किसी एक ऐसे इंसान के पास जो मेयार अहसन था। बहुत से अच्छे पाए जा रहे थे उस जमाने में, लेकिन उस जमाने में जो अहसन थे उनको जमा किया एक ऐसे इंसान ने जो खुद मेयार अहसन था, और जब उसके पास जमा हुए तो ये सब के सब अहसन थे। कोई बनी हाशिम में अहसन, कोई गुलामों में अहसन, कोई कूफियों में अहसन, कोई मदीने वालों में अहसन, एक पूरा अहसन का मजमा है।
कि जो जमा किया एक ऐसे इंसान ने कि जो खुद मेयार अहसन बन गया, यानी हुसैन इब्ने अली। बस मेरे अजीजो, एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, जिनके भाई भी हैं, जिनके बहनें भी हैं, जिनकी वालिदा भी हैं, जिनके भतीजे भी हैं, वो भतीजे जिन पर वो बाप का हक रखते थे, हक पेदरी जिनके ऊपर था, कि अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया उन्हीं बच्चों के लिए। अजीब है, ये शोखी नहीं है। बस मैं तमाम कर रहा हूँ, किसे पुरसा दूँ, माँ को, भाइयों को, बहनों को या भतीजों को, कि जिन्होंने सही माना में बाप के साए का उठना उस वक्त जाना जब ये चचा गया। किससे पुरसा दें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, सारे कायनात के हसन लोगों में कुछ अहसनीन को जमा किया हुसैन इब्ने अली ने, और ले करके मैदान करबला तक आए। अजीब मजमा है। वक्त हो और इंसान इस लफ्ज़ पर गुफ्तगू करे कि मेयारे इंतखाब क्या था हुसैन का, कि जहाँ ऐसे लोगों को जमा कर रहे हैं तारीख जिनकी मिसाल न दे सके, और उन सब में भी जो सब के सब अहसन है अपने मकाम पर, उन सब में भी जब हुसैन इब्न अली की निगाह ने चुना, तो इन अहसन में भी, इसके लिए मैं कौन सा सीगा इस्तेमाल करूं, इन अहसन ने भी अशद्दो हसनन जिसको पाया, या अशद्दो अहसनन जिसे पाया, इस लश्कर का आलम उसके हाथ में दिया। और इस अहसन लोगों के मजमे में जो सबसे बाला कद नजर आया हुसैन इब्ने अली के बाद, वो है अब्बास इब्ने अली। बस इसी गाजी के तस्करे को चंद लफ्जों में आपके सामने बयान करें और बात तमाम, जिसमें माँ के लिए भी पुरसा है, चूंकि अबुल फजल अब्बास की माँ भी मौजूद थी, और वो माँ जो ये कहती थी करबला के बाद कि अब मुझे उम्मुल बनी न कहो। जब कोई उम्मुल बनीन कहता था तो कहती थी अब मुझे उम्मुल बनी। जिसके अब्बास जैसा बेटा हो, वो माँ जरा सोचे कि क्या आलम होगा उस माँ की शफकत का अब्बास जैसे बेटे के लिए। लेकिन अल्लाह रे इस खानदान का अदब, कि मैंने नहीं देखा कि कभी अबुल फजल अब्बास को इस तरीके से उम्मुल बनीन रोई हो, कहीं नहीं, मैं उसको रोऊंगी जिसकी माँ। ये हमारी माँ के लिए सब्र के लिए बहुत है, कि हमारी माँ के सब्र के लिए बहुत है, कि जब उम्मुल बनीन अपने बेटे पर न रोई इमाम हुसैन के आगे, तो हमारे बेटे अब्बास के खून के एक कतरे पर कुर्बान हैं। अबुल फजल अब्बास के भाई भी हैं, कि जहाँ एक एक भाई को अब्बास ने अपने सामने करबला में भेजा, ऐ मेरी माँ के बच्चों चलो, कोई 19 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 25 साल का है, तीन भाई अब्बास के एक एक करके मैदान में गए, और ये खुद उस मंजिल पर है भाई की, इमाम हुसैन के और भाई भी करबला में शहीद हुए। और मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि इमाम हुसैन के जो फ़िक्रे जिस शहीद के जनाजे पर हैं, उस गमो मसाइब के आलम में भी नपे तुले फ़िक्रे हैं जो हुसैन इब्ने अली ने कहे, न कम न ज़्यादा। जिस शहीद के लिए जो फिक्रा मुनासिब था हुसैन इब्ने अली ने उतना ही कहा, चाहे अपना बेटा रहा हो या जौन जैसा गुलाम रहा हो, जिसके लिए जो फिक्रा मुनासिब है उतना ही कहा। किसी भाई के मरने पर हुसैन ने न कहा कि अब मेरी कब्र टूट गई।
लेकिन जब अब्बास जैसा भाई गया तो इमाम हुसैन ने आवाज़ दी कि अलान इन कसरा वहरी, अब मेरी कमर टूट गई। बहनें भी हैं अबुल फजल अब्बास के, अजब कैफियत है उन बहनों की, मैं कैसे बताऊं। जिस बहन का कोई एक भाई भी होता है तो वो बहन अपने भाई पर नाज करती है। एक बाजू है, एक कुव्वत है, एक दिल की ढारस है भाई। अब सोचो जिस बहन के 18 भाई हो, और नहीं जिस बहन का अब्बास जैसा भाई हो, उस बहन की कैफियत क्या होगी। इसीलिए तो शायर ने कहा कि जाते तो हो मरने की रजा शाह से लेकर, अब्बास तुम्हें कुछ दिले ज़ैनब की खबर। भतीजे भी हैं, भतीजियां भी हैं, सब हैं अबुल फजल अब्बास के। बस आखिरी दो तीन जुमले, शहीद का तस्करा हो गया, आखिरी दो तीन जुमले सुन लें। करबला के मैदान में सबसे आखिरी जो हुसैन इब्न अली की तरफ से मैदान की तरफ चला, वो है अबुल फजल अब्बास। पूरा दिन अबुल फजल अब्बास फौज को लड़ाते रहे एक एक करके। अजब फ़नून जंगी का माहिर था यह इंसान। हमले मगलूबा में नमाज सुबह के वक्त आधे से ज़्यादा लश्कर मारा गया, 40 के करीब लोग शहीद हुए। तो ये 70-72 लोगों में बाकी लोगों को दिन भर लड़ाया अबुल फजल अब्बास ने। कौन से फ़नून जंग इस्तेमाल किए नहीं मालूम, लेकिन जब एक तरफ से अबुल फजल अब्बास हैं जो पूरे लश्कर को रोके हुए, फौजें इतनी शरीफ नहीं थीं जो खड़ी होकर के देखें, बल्कि ये अली का लाल था जो तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार फौजों को करीब नहीं आने दे रहा था। एक तरफ खेमे के पुश्त पर खंदक खुदी हुई है जिसमें आग रोशन है, एक तरफ से हुसैन इब्न अली की फौज एक एक करके जाके लड़ रही है। ये नहीं है कि अब्बास करबला में लड़े नहीं, नहीं लड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से हर शहीद लड़ने के लिए निकला, उस तरीके से अबुल फजल अब्बास नहीं निकले। आपने क्या सुना नहीं है कि उसी रोजे आशूर में अबुल फजल अब्बास घोड़े पर सवार खेमों का तलाया फिर रहे थे कि जनाब ज़ुहैर आए और कहा, अब्बास घोड़े से उतरो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की एक बात सुनाना चाहता हूं। का ज़ुहैर देख नहीं रहे हो कि फौजें बढ़ बढ़ के हमला कर रही हैं, ये किसी बात सुनने का मौका नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने बाबा का नाम लिया है बगैर सुने गुजर नहीं सकता, ऐसे ही बताओ मैं घोड़े से नहीं उतरूंगा। ये मक्तल के जुमले हैं, ऐसे ही बताओ मैं घोड़े से नहीं उतरूंगा। जनाबे ज़ुहैर ने कहा, अब्बास तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मां से तुम्हारे बाबा ने क्यों शादी की थी? एक बहादुर फर्जंद पैदा हो जो हुसैन के काम आए, अब्बास आज वही दिन है। इतना सुनना था, एक अंगड़ाई ली तो जरा की कड़ियां टूट गई, ठोकर मारी तो रकाब टूट गई और आवाज दी, अतुशज्जौनी या ज़ुहैर, तुम मुझे जोश दिलाने आए हो? आराई तो कम आराई तो हूँ कत तो, अभी मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुमने कभी ना देखा होगा। ये कह करके अबुल फजल अब्बास फौजों पर झपटे। जो फौजें करीब आ चुकी थी, जनाब ज़ुहैर कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि अबुल फजल अब्बास की आतिशी तलवार किसी नज़ार पर चल रही हो, इस तरीके से सर हवा में उछल रहे थे। और उसी जगह जिसको अनीस जनाब अल्लामा मीर अनीस ने भी जिसका तस्करा किया कि जनमारिद से अबुल फजल अब्बास ने जंगे तन बतन की। अरब का माहिर नैजाबाज था माहिर, जब माहिर के सामने मारिद के सामने आए तो कहा, मारिद आज मैं तुझे तेरे नैजे से मारूंगा। अबुल फजल अब्बास की शजाअत का आलम ये, आज मैं तुझे तेरे नैजे से मारूंगा। ये कहकर के तलवार को न्याम में रखा, घोड़े पर संभल के बैठे। मारिज ने निहत्था देखा तो नैजा मारा, घूम के नैजे को पकड़ा और नैजे को छीन के मारिज को उसी के नैजे से मार के अब्बास वापस आए और कहा, ज़ुहैर तुमने देखा, ऐसा अजीम इंसान अब्बास की तलवार लेकर के अब्बास को रोकना कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि सामने वाले की तलवार छीनने में अबुल फजल अब्बास को कितनी देर लगती है। अब्बास से तलवार छीनने की जरूरत नहीं है, अब्बास जंग में और हर जगह पर हुसैन इब्ने अली के मंशा के मुताबिक अमल करते हैं। बस आखिरी बात, सबसे आखिर में
जब सारी फौज चली गई और शेर ने देखा तो कोई न रह गया। आए तारीख कहती है अबुल फजल अब्बास का हुलिया ये है कि रोते रोते आंखें सुर्ख हैं, खौफ इलाही से चेहरा जर्द है, पेशानी पर निशान है। आए हाथों को जोड़ा, आका अब इस गुलाम को इजाजत दे दे। हुसैन इब्ने अली के सामने अब ये मरहला था, अब अब्बास को रोके तो कैसे रोकें, क्या कहें अबुल फजल अब्बास से, अब तो सब जा चुके हैं। मेरे अब्बास तुम तो लश्कर के आलमदार हो भैया, का मौला वो लश्कर कहाँ है, खुद ये जुमला बता रहा है कि अब कोई नहीं रह गया, मौला वो लश्कर कहाँ है जिसकी मैं आलमदारी करता था। इमाम हुसैन और अब्बास में गुफ्तगू हो रही थी, खैमों से आवाज़ आई अलाताश, हुसैन इब्ने अली ने कहा अब्बास अगर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। इस जुमले से शेर ने सब कुछ समझ लिया कि मौला का इरादा क्या। आए मशकीज़े को लिया, बस अब तक मुख्तसर कर रहा हूँ, लेकर के मैदान में आए, 7,000 या 4,000 का पहरा है नहर पर। उमर साद ने ऐलान किया अब्बास नहर तक पहुँच ना सके वरना फिर ना जंग आलम कुछ और होगा। फौजें सिमट गई, अब्बास को रोकने के लिए मख्तल देखिए, पहले हमले में अब्बास ने अपने आप को नहर तक पहुँचा दिया, पहले हमले में, और एक भी जख्म बदन पर नहीं है। यह अली का सिखाया हुआ। मश्क भरी, वापस हुए, अब तवज्जो जंग की तरफ नहीं है, अब इस मश्क की तरफ तवज्जो है कि ये बच जाए, तीर लगते हैं तो लग, बस खत्म कर दिया। दाहिने हाथ पर वार हुआ, मश्क आलम को बाएं हाथ से संभाला, बाएं हाथ पर वार हुआ, आलम को घुटनों से संभाला, मशकीजे को दांतों से संभाला, ठोकर पे लेकर के चले, आंख में तीर लगा, चाहा झुक के घुटनों से दबा के खींच दे, सर पर गुर्ज लगा, अब संभल न सके घोड़े पर, इधर मशकीजा गिरा, उधर अब्बास गिरे, उधर आलम गिरा। या अबा अब्दुल्लाह वालेकुस्सलाम, या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन इब्ने अली अबुल फजल अब्बास की तरफ आए, बस खत्म कर दिया। अबुल फजल अब्बास के लाशे को हुसैन ने मख्तल में छोड़ा वसीयत के मुताबिक, और आलम को लेकर के आए। आखिरी फिक्रा, जब याद आए तो रोइएगा, तन्हा वो जनाजा जो दुश्मनों के दरमियान हुसैन ने छोड़ा, वो अब्बास का लाशा था। बच्चों ने आलम को आते देखा, आगे बढ़े, अब जो देखा आलम मौला हुसैन के हाथ में है, बच्चे पैरों से लिपट गए, मौला मेरा सक्का। अब उसका इंतजार न करना, आए अब्बास के खैमे में, आए आलम को लिटा दिया अबुल फजल अब्बास के खैमे में, बीबियों ने अपने आप को आलम पर गिरा दिया। सुन सकेंगे आप, आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, इधर बीबियां आलम से लिपटी हुई, ए मेरी चादर के वारिस, ए मेरे दिल की ढारस अब्बास, उधर दुश्मन अब्बास के लाशे पर कोई तलवार, कोई नेजा, कोई दुर्द, अली का शेर टुकड़े। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رزم بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا غافر المذنبين يا ملجأ العاصين
या अरहमर राहिमीन। हज़रत एक मरतबा सूरह अलहम्द और सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर बिलउमूम तमाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले और बिलखसूस जनाब सैयद अहसन हैदर इबन वसी हैदर और बिलखस मुदाफ़ियान हरम ज़ैनबी के शहदा के लिए ईसाल फरमा दें।